पंजाब में टारगेट किलिंग के तहत हिंदू व अन्य समुदायों के नेताओं की हत्याओं व हमलों की जांच में जुटी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लुधियाना में डेरा डाला हुआ है तथा इन हत्याकांडों से संबंधित एक एक तथ्य को खंगाला जा रहा है। इसी के तहत आतंकियों की गोली का शिकार लुधियाना के शिवसेना नेता अमित अरोड़ा को भी आज NIA के जांच अधिकारियों ने बुलाकर उनसे 2016 में हुए हमले के बारे में जानकारी ली। शिवसेना हिंद के नेता अमित अरोड़ा ने पत्रकारों को बताया कि NIA के तीन अधिकारियों ने उन पर 3 फरवरी 2016 को हुए हमले के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है तथा करीब आधे घंटे तक उनसे कब क्या क्या हुआ बारे पूछा गया। मेरे ते 3 फरवरी 2016 नू अतवादी अटैक होया सीगा जिते पंजाब पुलिस ने मेरे ते झूठा केस दोबारा दायर करता कि अमित अरोड़ा ने जड़ा अमित अरोड़ा ते गोली नहीं चली इन्हें सरिया मरवाया ते अज जड़े अतवादी फड़े गए ने उन्होंने मनिया कि अमित अरोड़ा ते गोली चली है। मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मानयोग DGP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिदे करके मैनू इंसाफ मिले आरोपी फड़े गए उन्होंने मेरा नाम लिता है जी ते मैं उन्हों का तह दिलों धन्नवाद हाँ। हाँ जी मैनू अज बुलाया सीगा जी सवेरे 10 बजे मैनू टाइम मिलिया सीगा पार्क प्लाजा दा जी ते मैं उन्हां नाल पार्क प्लाजा होटल पौना घंटा मेरी अद्धा घंटा मेरे नाल उन्होंने मेरे केस बारे मैंने डिस्कस की थी। मैं अपने डॉकूमेंट दूंगा मेरे को डॉकूमेंट्स है जिस मैं थ्रेट्स धमकी आदि सगिया तो बाकी तो जो बाकी भी डॉकूमेंट वो पंजाब पुलिस लै गई जो मेरे घर उन्होंने रेड की काफ़ी डॉकूमेंट की सीढ़ी सी जो भी मेरे को प्रोवाइड होया जो भी मेरे को प्रोवाइड होया मैं अज लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।